मैं लंदन में यहूदियों के एक मदरसे को देखने गया। मैं सब जगह जाता हूँ, यहूदियों के यहाँ भी, ईसाइयों के यहाँ भी, चर्चों में भी, सेनेबोग में भी, मंदिरों में नहीं जाता, क्योंकि मंदिर हमारे हिंदुस्तान में हम देखते रहते हैं, उसमें कोई हमारे कोई नई चीज नहीं। और रंगून के अंदर ये पगोड़ा है, उसमें भी नहीं गया, वहां बुद्धा की मूर्तियां है, मैं मूर्ति वाली जगह नहीं जाता। और यहूद नसारा के यहाँ मूर्तियां नहीं होती, चाहे वो ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा कहे, वन थर्ड खुदा कहे, मगर मूर्ति नहीं रखती। तो मैं सबके यहाँ जाता हूँ, उनकी नमाजें भी देखता हूँ, किस तरह नमाजें पढ़ते हैं, यहूदियों के यहाँ भी, ईसाइयों के यहाँ भी। तो मैं यहूदियों का, पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा राष्ट्रपाधनी है यहूदियों का, मैं उससे बाकायदा होता है, वक्त लेकर उससे मुलाकात करने गया और मजहबियात पर उससे मैंने गुफ्तगू की। तो मैं यहूदियों का एक मदरसा देखने गया, तो एक बात मैं देखकर हैरत में रह गया, पूरा हाल है बड़ा। उस हाल में सब तलबा तकरार कर रहे हैं और वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, दो शाम तालिब इलम आमने सामने तकरार कर रहे हैं, दूसरे दो, तीसरे दो, तीन तालिब इलम नहीं, अब आधी किताबें ये तकरार कराएगा, आधी वो कराएगा, तो ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। और हमारे यहाँ जो तकरार खत्म हो गई, लेकिन जब थी तो अफ्फश की बकरियां अफ्फश की तकरीर सुनती थी, सब मुझे अफ्फश होते थे, एक तो बनता था, बाकी तो कुछ भी नहीं बनते। और इनकी है ना क्या, तीन तारीख जन्म साथ में तकरार करते, मैंने नहीं लिखे, दो दो आमने सामने, दो दो, पूरा हाल भरा हुआ है, दो 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 पर। एक दूसरा फायदा उनके यहाँ ये है कि अगर जमात में तलबा यहूदी भी है और गैर यहूदी भी है, तो अगर उनका प्रोफेसर यहूदी है तो यहूदी तालिब इलम को दो नंबर कम दे, उनके लगते है, ताकि वो इतनी ज्यादा मेहनत करे दूसरों की कंपटीशन में बराबर होने के लिए। उनके तय है कि उनका प्रोफेसर अगर यहूदी है तो यहूदी तालिब इलम को दो नंबर कम देगा इस तरह से। तो ये बड़े हैं, इस तरह से छोटों को बढ़ाते मेहनत करते। तो अब ये जो सूरत हाल बिगड़ गई है, ये तुम्हारे बस की तो है नहीं, बड़ों के बस की है, और बड़ों के कानों पर जू नहीं रेंगती। और अगर रंगनी शुरू भी हो गई तो अभी 50 साल लगेंगे फिर तरक्की होने में, उभरने में। दवाल होकर नीचे बैठ गए, चहने आ गए हो, अब चहने से उठ करके उरूज पर जाने के लिए 50 साल लगेंगे।